खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास करने वाले साधक सहज में लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं। यह खिचड़ी मुद्रा, कई लोग पूछते हैं खिचड़ी इसका नाम क्या है, क्यों है? खेचर मतलब आकाश गमन की क्षमता रखने वाली मुद्रा का नाम है खिचड़ी। राधे राधे, गुरु कृपा आशीर्वाद। खिचड़ी मुद्रा 10 महामुद्रा की एक विद्या है, एक मुद्रा है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही उत्कृष्ट मुद्रा बताया है। सबसे बड़ी है खिचड़ी मुद्रा, योगी जन के मातरे, जीभ तले की नाल कटत है फिर पीछे उल्टा तरे। योगी इस मुद्रा को सिद्ध करके और परम तत्व को प्राप्त करते हैं, परंतु यह मुद्रा उन्हीं के लिए उपयोगी है जो हमेशा साधना करते हैं। प्रश्न है कि क्या खिचड़ी मुद्रा गृहस्थ आश्रम में भी किया जा सकता है? उत्तर है क्यों नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की श्रृंखला में बहुत से ऋषि मुनि सपत्नीक बच्चों के साथ रहते थे, बहुत से भक्त गृहस्थ भक्तों ने भी खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करके उन्हें सिद्ध किया हुआ है। हमारे कई सारे बाबा के शिष्य हैं जो गृहस्थ आश्रम में हैं, उन्होंने भी खिचड़ी मुद्रा किया हुआ है। बाबा ने बताया कि बच्चा खिचड़ी मुद्रा सबके लिए ही उपयोगी है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, किसी के लिए वर्जित नहीं है। तो खिचड़ी मुद्रा सभी कर सकते हैं और ये खिचड़ी मुद्रा 10 महामुद्रा का एक अंश है, गुरुदेव की कृपा है। महामुद्रा महाबंध महाभेदश्च खेचरी उडियान मूल बंधश्च बंधो जलांधराभिद करणी विपरीताख्या वज्रौली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। ये 10 मुद्रा हैं और 10ों अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ खिचड़ी मुद्रा को बताया गया है। तो कोई भी खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास कर सकता है, खिचड़ी मुद्रा सबके लिए लाभकारी है। खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से मनुष्य को मनोवृत्ति पे शांति का प्राप्ति होता है। खिचड़ी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो हमारे चित्तवृत्ति को स्थिर करता है, इंद्रियों को स्थिर करता है, और खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास करने वाले साधक सहज में लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं। यह खिचड़ी मुद्रा, कई लोग पूछते हैं खिचड़ी इसका नाम क्या है, क्यों है? खेचर मतलब आकाश गमन की क्षमता रखने वाली मुद्रा का नाम है खिचड़ी। हमारे योग में खिचड़ी, भूचरी, भूचरी मतलब पृथ्वी पे, पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके योगी जन कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। भूमि पे चलने वाले योगी कभी थकते नहीं, जिनको भूचर सिद्ध होता है, वो रसायन के माध्यम से भी होता है, योगिक क्रिया के माध्यम से भी होता है। तो ये सब मुद्राएं अतुलित बल देने वाले हैं। आकाश मार्ग का गमन करना, और ऐसा कहा गया है कि जब यह खिचड़ी मुद्रा परम सिद्ध हो जाए तो लोकालोक का गमन कर सकते हैं आप। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए आपको बहुत लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी मुद्रा है, कोई भी साधना है, उसको ठीक वैसे ही साधना पड़ता है जैसे आप अपने आप को साधते हैं।
साधने का मतलब जैसे आप उम्र के हिसाब से बढ़ते हैं, वृद्ध होते हैं, ऐसे ही ये साधनाएं उम्र के अपनी साधना के हिसाब से बढ़ते हैं, वृद्ध अर्थात सिद्ध होते हैं। जब ये सिद्ध हो जाते हैं तो आपको परम फल देने वाला, इच्छित फल देने वाला हो जाता है। इसलिए इनका अभ्यास स्नेह स्नेह धीरे धीरे शांति पूर्वक करना चाहिए और इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए गुरु भक्ति बहुत जरूरी होता है, क्योंकि योग का सीधे तारतम्य होता है गुरु से। योग को गुरु भी कहा गया है, जो योग्यता दे दे आपको, योग्य बना दे आपको, वो क्षमता सिर्फ गुरु में ही होता है। इसलिए योग का माध्यम लेकर के भी भगवत प्राप्ति हो जाता है, योग का माध्यम लेके आत्मज्ञान भी होता है, आत्मबोध हो जाता है। इसीलिए इन मुद्राओं के साथ साथ योग का अभ्यास कैसे कौन सा करना चाहिए गुरु जी ही बताते हैं। तो आप लोग अभ्यास कर सकते हैं, जिनको जानकारी चाहिए अभ्यास करना हो, संपर्क करेंगे, उनको हम मार्ग बताएंगे, और सबके लिए अनिवार्य है, किसी के लिए वर्जित नहीं है। खेचरी मुद्रा सभी कर सकते हैं। राधे राधे, गुरु कृपा।